बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं जिनसे हम लोगों को लड़ना है। किसानों के लिए बहुत काम हुआ और कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल जांजगीर जिले में देखने को मिलता है। तो जो काम अधूरे हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी वो काम पूरे हों और नए काम भी वहाँ पर शुरू। अकलतरा के नवनिर्वाचित विधायक राघवेंद्र जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पहली बार विधायक बने और विधानसभा में आपने शपथ ग्रहण की, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है जो क्षेत्र के लोगों ने दी है और पूरी भरसक प्रयास है, कोशिश है कि हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। क्या लगता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सदन में कैसे लड़ेंगे? सदन में जनता ने चुनकर भेजा ही इसलिए है, और चूंकि विपक्ष की भूमिका में है तो लगातार वहाँ के जो मुद्दे हैं, आम मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, जिनसे लोगों को परेशानियां हैं, उन सारे मुद्दों को यहाँ पर उठाकर वहाँ पे इनकी बात की जाएगी। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो भूपेश बघेल की सरकार के टाइम पर वो नहीं पूरे हो पाए? देखिए मुद्दे लगातार आते रहते हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है लोगों के, जब जनसंख्या बढ़ती है और उसके अलावा जब अलग अलग काम होते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दे रोज नए सामने आते हैं। तो ये कहना कि पुराने ही मुद्दे, बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं जिनसे हम लोगों को लड़ना है, उसका समाधान भी खोजना है। तो नए मुद्दे, पुराने मुद्दे, सारे मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाएगा। क्या समस्या है आपकी क्षेत्र? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक लिफ्ट इरिगेशन की है। हम लोग एक सिंचित जिला है, सिंचित जिले के साथ साथ हम लोगों के यहाँ फसल धान का कटोरा, जो अगर छत्तीसगढ़ को कहते हैं तो जांजगीर एक अग्रणी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र वहाँ टेल एरिया छूट जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों के यहाँ काफ़ी है, तो वहाँ कई जगह बाईपास और इनकी आवश्यकता है। कुछ नए प्लांट्स खुल रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे मैंने बताया कि कुछ मुद्दे आते हैं, तो वहाँ पर भरसक प्रयास है कि बाईपास और बाकी चीज़ें पहले से हो जाएं ताकि लोगों को परेशानी हो। आपकी सरकार ने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं, बहुत से काम वहाँ पर जो अधूरे पड़े हैं या नहीं हो पाए उसके लिए कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है। देखिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। किसानों के लिए बहुत काम हुआ और कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल जांजगीर जिले में देखने को मिलता है कि वहां पर 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। और ऋण माफी था, कर्ज माफी था और कई ऐसे मुद्दे थे जो लगातार हो रहे थे। 2 साल कोरोना की वजह से काफी कार्य अवरुद्ध भी हुए हैं, तो जो काम अधूरे हैं मेरी प्राथमिकता रहेगी वो काम पूरे हों और नए काम भी वहां पर शुरू। बीजेपी की सरकार बन गई है, कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक धान को लेकर के कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और काफी किसान परेशान है, क्या लगता है? मेरी बात आपने कह दी अपने सवाल में ही, पहली बैठक भी हो गई है, उसमें किसानों के लिए कोई बात सामने भी नहीं आई और इसकी वजह से किसान काफी परेशान है। बहुत मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ कई लोगों ने अपनी धान को अभी रोक कर रखा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिटी उन लोगों को नहीं मिल रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र, जो भी वादे किए होंगे, क्या लगता है महिलाओं को जो 12,000 रुपए देने की बात है, कई वादे जो किए हैं वो क्या लगता है पूरे होंगे? यही तो हम लोग देखने के लिए विधानसभा में हैं कि वो वादे उनको पूरे करने होंगे और उसी वही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या लगता है आपको कि कितनी भी क्षेत्र की समस्या है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बीजेपी कितना कार्य करेगी? देखिए ये कहना कितना कार्य करेगी कितना नहीं करेगी ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि उनकी सरकार, जो कार्य नहीं होंगे उन मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर विपक्ष की एक सशक्त भूमिका में हम लोग रहेंगे। आपकी सरकार की तब भी शराबबंदी का मामला उछला था, अब बीजेपी की सरकार है, इस शराबबंदी को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए शराबबंदी का मामला हमारी सरकार में था और कहीं ना कहीं बघेल जी ने उसका एक उत्तर भी दिया था कि 2 साल जब कोविड आया तो आप लोगों को भी पता है, मीडिया वालों को, आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया था, जगह जगह सैनिटाइजर्स और बाकी जगह लोग पीकर मृत्यु हुई थी, तो इसको चरणबद्ध तरीके से करने की योजना थी, लेकिन मैं जैसा कहा कि 2 साल कोविड की वजह से काफ़ी कार्य नहीं हो पाए और उस पर समिति भी बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रियान्वयन में नहीं हो पाया समय कम रहने की वजह से। अब देखते हैं ये सरकार उसको कैसे आगे बढ़ाती है। क्या बीजेपी अपने सारे वादे पूर्ण करेगी महिलाओं के लिए? ये सवाल तो आपको बीजेपी से करना चाहिए कि वो वादे पूर्ण करेगी कि नहीं। आपको कहना था कि ये आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि जो भी आपने घोषणा पत्र में वादे की है वो पूरा करेगी कि नहीं करेगी। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।